मित्रों, ये वीडियो जापानी भाषा में है, इसलिए आपको समझने में कुछ तकलीफ़ होगी, किंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि इसमें क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक जंगली खेती करने का तरीका है। इसमें असल बात ये है कि जुताई और दवाई आदि से हमारे खेत जंग मरुस्थल में तब्दील हो रहे हैं। बिना जुताई, बिना खाद, दवाई के खेती करने का ये बहुत ही सरल तरीका है। इसमें बहुत से बीजों को, अनेक किस्म के बीज, जितने भी हम इकट्ठे कर सकते हो, जंगली हो, सब्जी हो, फल हो, उनको सबको जो है एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसके बाद में उन बीजों को इकट्ठा करने के बाद में आपस में मिला लिया जाता है और उनका सीड बॉल बनाया जाता है। सीड बॉल बनाने से पहले, सबसे पहले हमारे को मिट्टी का सही चुनाव करना होता है। और इसमें जो है क्ले मिट्टी, जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी को इकट्ठा कर लें, उसको खूब कूट के और उसको बारीक कर लें और उसका जो है पाउडर बना लें। और बारीक करके उसको छानने की ज़रूरत है, ठीक से हम उसको छान लें, है ना। देखिए आप, उसको मिट्टी को बारीक किया जा रहा है। जब ये बारीक हो जाएगी तो इसको बारीक छलनी से इस तरीके से छान लें। और छानने के बाद में ये जो हमने मिक्स जितने बीज हैं सबको आपस में मिला लिया जाता है। और मिलाने के बाद में उन बीजों को ज़मीन पे इस तरीके से रख के उसमें वो जो बारीक मिट्टी रहती है उसको हाथ से धीरे धीरे जो है मिक्स किया जाता है। और मिट्टी को के साथ में उसमें जो हमारी दवाई छिड़कने वाला जो पंप रहता है, स्प्रे पंप, उससे जो है इसमें पानी छिड़कते जाते हैं। ज़्यादा पानी भी नहीं होना और कम पानी भी नहीं होना। कम पानी रहेगा तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो बीजे जो हैं वो फूलने लगेंगे। और फूलने के बाद में वो जो है मिट्टी, वो जो गोलियां हैं या जो भी एक उसकी कोटिंग है, वो तिड़क जाती है। इस तरीके से देखिए, पंप से धीरे धीरे उसमें पानी मिलाया जा रहा। और हाथों से मिट्टी को और बीजों को घुमाते जाते हैं। थोड़ा सा दबाव भी हाथ से इस प्रकार देते जाते हैं जिससे कि मिट्टी जो है बीजों में चिपकती चली जाए। ये देखिए, ये हाथ से करने का, और इसमें कोई किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं है। खाली हमने एक स्प्रे पंप का इसमें यहाँ उपयोग किया है, जो कि जिसको कि हम हटा सकते हैं। उसके बदले हम पानी को धीरे धीरे अपने गांव के और अपने तरीके से जो है पानी छिड़क सकते हैं। पर स्प्रे करने से ये रहता है कि बारीक फुहार रहती है और उसका हमको लाभ मिलता है कि ज़्यादा गीला भी नहीं होता और सूखा भी नहीं रहता। और लगातार इसको हाथ से इस तरीके से घुमा घुमा के मिलाया जाता है। और हर बीज पर, जितने भी बीज हों, जो कि बीज कोई छोटे बीज हैं, कोई बड़े बीज हैं, कोई बारीक बीज हैं, सारे बीजों पर जो एक सी मिट्टी की कोटिंग चढ़ने लगती है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि उसकी जो साइज़ है, कोटेड सीड्स की जो मतलब साइज़ है, वो बड़ी होने लगती है। देखिए इस तरीके से मिलाया जा रहा है। फुकुओका का ये कहना है फुकुओका जी का ये कहना है कि देखिए, ये सब अब बन गया है, अब ये बन गई हैं। और कई किस्म की जो है ये गोलियां हैं, कोई छोटी गोली हैं, कोई बड़ी गोली हैं, और सब इन्होंने जो है अलग अलग इकट्ठी कर ली हैं। फिर इनको देखते हैं कि कहीं रह गया है, तो उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के और उसको जो है थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है। यानी ये बहुत सिंपल मेथड है, जो कि कोई भी किसान कहीं भी किसी भी तरीके से इसको कर सकता है। इसमें ना जुताई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो मिट्टी इसमें मिलाई जा रही है, ये खुद ही खाद है।
ये कपे वाली खाद है जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और ये वो मिट्टी है जो नदी नालों में खेतों से बह के या पहाड़ों से बह के नदी नालों में इकट्ठा होती है। तालाब के अंदर भी जो है मिट्टी मिलती है वो भी करीब करीब इसी प्रकार की रहती है, और ये मिट्टी जो रहती है इसके अंदर असंख्य ऐसे बैक्टीरिया जीव जंतु रहते के अंडे वगैरह रहते हैं जो कि अपनी ज़मीन को खाद वाला बना देते हैं। तो यहाँ केवल हम एक ही बीज नहीं बो रहे हैं, हम असंख्य जो है खाद बनाने वाले जीवों के सूक्ष्म जीवों के बीज भी हम यहाँ बो रहे हैं। हम देख लेते हैं, मतलब वो देख लेते हैं यदि कोई छोटे रह गए हैं, और भी मतलब कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतने ही आपकी खेती सफल होगी। कोटिंग ठीक नहीं होगी तो फिर वो बीज जो हैं बिखर जाएंगे और फिर किसी के भी द्वारा कीड़े मकोड़े या चिड़िया चूहे आदि से खा लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत सरल तरीका उन्होंने बताया हाथ से करने का, और इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद के जो बीज का है उसमें देखिए आप, उन्होंने पूरी कोशिश की है इस तरीके से कि जो हाथ से जितने भी हमारे वो बने वो अच्छे मजबूत बनना चाहिए। मिट्टी जितनी बारीक रहेगी और अच्छे से उसको जिस हाथ से घुमाया जाएगा तो वो जो साइज़ है वो बॉल हो जाएगी, गोल हो जाएगी। देखिए मिलाया जा रहा है, यही तरीका हम लोग भी हमारे खेतों में यहाँ शुरू कर रहे हैं। इस साल से हम जो है अभी तक हम हाथ से दूसरे तरीके से सीड बॉल बनाते थे, अब हम यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर मैं सोचता हूँ कि मिट्टी को इकट्ठा करने का समय जो होता है गर्मियों का रहता है, गर्मी में हमें सूखी मिट्टी मिल जाती है, उसको कूट के बारीक करना भी आसान हो जाता है और सीड बॉल बना के, और फिर जब बरसात आ जाती है हो जाती है, और जब बरसात में काफ़ी किस्म के खरपतवार वगैरह उग आते हैं उस हालत में ही हमारे को इनको फेंकना होता है। अभी तो वो सिर्फ इसमें जो है बनाने का विधि बता रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जितने किस्म के जो बीज मिलाए हैं, कोई छोटे बीज हैं, कोई मंझोले साइज़ के बीज हैं और कुछ बड़े बीज हैं। उनका कहना ये है कि हर बीज के ऊपर कम से कम बीज की जो साइज़ है उससे डबल उसमें जो है मिट्टी चढ़ जाना चाहिए। जैसे धान का बीज छोटा होता है तो उसमें उसका बीज के साइज़ से डबल मिट्टी चढ़ जाए। देखिए उन्होंने दो तीन किस्म के जैसे साइज़ के अलग अलग साइज़ के कोटिंग को बताने की कोशिश की है। यानी कि खेती का काम उन्होंने इतना सरल कर दिया कि ये करना है और आपको कुछ नहीं करना, करके आपको फेंक देना। तो जिस प्रकार जंगल में कई किस्म की खरपतवार उगती है और कई किस्म के जंगली पेड़ उगते हैं, इस तरीके से आपकी अपनी फसलें भी जो आप बोना चाहते हैं वो सारी मतलब वहाँ उग जाती। तो जुताई करके हम जो है कुदरत का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, उससे बारिश नहीं होती है और रेगिस्तान हमारे जो हरे भरा पर्यावरण है वो रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। देखिए अलग अलग साइज के सीड बॉल को अलग अलग करके वो बताना मांग रहे हैं कि बड़ा बीज है तो इतनी उसमें मिट्टी चढ़ना चाहिए, और मंझोले बीज हैं तो उसमें इतनी मिट्टी चढ़ना चाहिए, और जो बारीक हैं तो उसमें इतनी मिट्टी चढ़ना चाहिए। पर बीजों को सबको इकट्ठा मिला के एक साथ करना ही सही उपाय है। उसमें ये नहीं सोचना कि ये काहे के बीज हैं, उसमें जंगली बीज भी हो सकते हैं, अर्ध जंगली बीज भी हो सकते हैं, और उसमें जो है फल के बीज भी हो सकते हैं, सब्जियों के बीज हो सकते हैं, अनाज के बीज हो सकते हैं, सब। ये तो जंगली खेती है, जैसे जंगल में सब चीज़ होती हैं इसी प्रकार हमें खेती को भी करना है। इसके बाद अब वो बता रहे हैं कि मशीन से भी यदि आपके पास बहुत अधिक बड़े खेत हैं तो आप मशीन का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए कंक्रीट मिक्सचर
सबसे अच्छा उन्होंने बताया कि कंक्रीट मिक्सचर सामान तो सब जगह उपलब्ध रहते हैं और उनके बीच में जो पट्टी लगी रहती है उसको निकाल दें और उसके बीच में बाद में जो बीजों को भिगा के और उस मशीन के अंदर डाल देते हैं कंक्रीट मिक्सर में। और कंक्रीट मिक्सर में डालने के बाद में उसको घुमा दिया जाता है ये देखिए बीज डाल दिए गए हैं, अब मशीन को घुमाएंगे। अब ये मशीन को घुमा दिया गया और उसमें जो है पानी को छिड़क दिया पहले जिससे बीज सब गीले हो जाएं। अच्छे से पानी छिड़कने के बाद में स्प्रे पंप से पानी छिड़क दिया और इसमें जो है मिट्टी फेंकना चालू की। अब मिट्टी फेंकते जा रहे हैं और पानी छिड़कते जा रहे हैं, मिट्टी फेंकते जा रहे हैं और पानी छिड़कते जा रहे हैं, इस तरीके से मिट्टी फेंकते जा रहे हैं पानी छिड़कते जा रहे हैं, इस तरीके से जो है गोल गोल घूम के जो बीज हैं बीज गोलियां हैं सीड बॉल बहुत आसानी से हज़ारों एकड़ में आप अपन इस तरीके से खेती कर सकते हैं, कई सौ एकड़ में भी अपन आसानी से ये खेती कर सकते हैं। सिर्फ अपने को जो है ये सीड बॉल बनाने की मेहनत है, इसमें मिट्टी को इकट्ठा करना बारीक करना कूटना पड़ता है, वो एक मेहनत का काम ज़रूर पड़ता है, पर उसके बाद में जुताई खाद दवाई निंदाई गुड़ाई कई किस्म के नींदा मारक के कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वहाँ पर बरसात आएगी और सब चीज़ें उगने लगती हैं। अधिकतर कोशिश यही की जाती है और इस प्रकार से जो बीज सुरक्षित रहते हैं और जैसे हमारे जंगल में या बिना जुताई के जगहों पर जिस प्रकार की खरपतवार उगती है अपने आप ही वहाँ पर ये बीज उगने लगते हैं। जितना सरल खेती होगी उतना ही मरुस्थलीकरण जो है रुकेगा, पर्यावरण ठीक होगा, खेती अच्छी होगी, गांव देहात में आमदनी बढ़ेगी और इस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। जैसे जैसे रेगिस्तान पनप रहे हैं लोगों में बेईमानी चोरी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और जो हमें पैसे वाले अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं और इसमें खेती का बहुत बड़ा योगदान है। खेती ने ही हमारे पर्यावरण और पूरी हमारी शिक्षा और हमारी स्वास्थ्य की और रोज़गार की जितनी समस्याएं हैं सारी का जड़ में जो है वो है खेती ही है। इसलिए जब तक खेती में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना करना ही बेकार है। ये देखिए उन्होंने और एक्स्ट्रा उनको लग रहा है कि पानी कम है तो इस तरीके से उन्होंने पानी और डाल दिया। हरियाली पैदा करना और खेती करने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। 1999 में वो भारत आए थे और मेरी मुलाकात उनसे वर्धा सेवाग्राम जो गांधी आश्रम में हुई थी वहाँ ये बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने बहुत आपने जो भी कुछ खेती के बारे में पढ़ा है वो सब भूल जाओ और जो भी कुछ मैंने भी आपको बताया अभी तक वो भी सब भूल जाओ क्योंकि अब हमारे पास इतना तेज़ी से जो है ये बिगाड़ हो रहा है, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जो है हमारी धरती को हरा भरा बनाना है और उसके लिए आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप हवाई जहाज़ का उपयोग करके आसमान से जो है गोलियां बना के बीज फेंकें और जितनी हो जल्दी हो सकता है हमें रेगिस्तान को हरियाली में बदलना, तभी हमें अपनी दुनिया को
अपने लोगों को, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। विकास की जो अभी वैज्ञानिक जो दौड़ चल रही है वो उसके बहुत खिलाफ है, और वो ये कहते थे कि देखिए जापान में, जर्मनी में और अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा है उसकी नकल करना बहुत ही गलत है। पूरी दुनिया उनकी नकल करती है और उनको समझती है कि बहुत विकसित हैं, इसलिए जो है हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं और वो तो बिगड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम भी अपने आप को और अपने जीवन को पूरा नष्ट करते जा रहे हैं। सीट बॉल बन गए हैं अच्छे से, ये सीट बॉल तैयार हो चुके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल हो, गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने पूरी दुनिया को एक शांति न अहिंसात्मक प्रगति का बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है, और दुनिया में बहुत लोग अभी उनके इसकी जो है आप वो बता रहे हैं कि पहले आप बरसात को आ जाने दें और उस आपकी जो हरियाली को पनपने दें, और उसके बाद जो हरियाली का जो ढकाव होता है उसके अंदर आप इन बीजों को, मतलब गोलियों को फेंक दें, उससे ये गोलियाँ वहाँ सुरक्षित रहेंगी और अपने आप ही उगने के बाद में वो बाहर निकल आएंगे। और ये जो जितनी भी मतलब हरियाली रहती है ये होना बहुत ज़रूरी, यही बरसात के पानी को लाती है। आज जगह जगह जो सूखा पड़ रहा है उसका मूल कारण ये है कि हरियाली की कमी हो रही है, तो हरियाली से ही हमारी जो है सूखे की समस्या ख़त्म होगी, और जो नदियाँ हमारी सूख रही हैं वो फिर से जो है बहने लगेंगी। मैंने जब सेवाग्राम उनमें मिला था तो मैं कई घंटों उनके साथ रहा और पूरी कोशिश की उनकी बात को समझने की, और मैंने पाया कि सचमुच में जो है खेती में जितना बड़ा विज्ञान वैज्ञानिक खेती ने हमको धोखा दिया है, होता जा हमारा हमको उससे उस धोखे और उससे बचने का ये बहुत ही सरल उपाय है। इस तरीके से हम आसानी से अपने को और अपनी दुनिया को और अपने लोगों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।